आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुपद के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भाग नंबर एक है। यानी भाग नंबर एक में देख लेते हैं कितना वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज सॉल्व हो सकता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसको बोलते हैं जिसमें चार ऑप्शन रहता है, जिसको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके 10th में 50 मार्क्स के पूछेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हर एक चैप्टर का हम सब क्वेश्चन देखेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, इसको रटने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं तो सारा गलत हो जाएगा, और 50 का 50 सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे। इधर मैंने प्रश्न लिख दिया और इधर हल लिख दिया है। एक नंबर से शुरू करेंगे, उसका हल मैं बताते जाऊंगा, आप नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। नोट डाउन जरूर करेंगे, प्रश्न भी नोट डाउन करेंगे, साथ साथ इसका सॉल्यूशन भी, ठीक है, नहीं तो रटते रह जाएंगे, नंबर कम आ जाएगा, वहां अंक परिवर्तित कर देगा, बस अंक परिवर्तित कर देगा। मान लीजिए यहाँ एक्स क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां पे दे देगा 2x³, तो आप रट के जाएंगे, जो भी आंसर आएगा उस ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं और आप गलत कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न का श्रृंखला है जिसमें अभी तक मैंने 6 प्रश्न लिखा है, फिर मैं इसे मिटाऊंगा, फिर करूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले 6 प्रश्न देखते हैं और एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ये सब पूछे गए प्रश्न है जो कि इससे पहले वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलता है पहला नंबर, यदि fx बराबर x³ - 5x² + 2x + 2, तो f1 का मान है। यही प्रश्न है। अब देखिए इसमें क्या है, अगर इसमें याद कर लेंगे, मैं आंसर डायरेक्ट बता दूंगा जो भी होगा, तो इसमें समझ में आपको नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए हम सब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो पहला नंबर मैं सॉल्व करते जा रहा हूं, आप ध्यान से समझते जाएंगे। fx बराबर दिया हुआ है, fx बराबर देखिए समीकरण दिया हुआ है x³, ये रहा समीकरण x³, 5x² - 5x² + 2x + 2, यही है x³ - 5x² + 2x + 2। अब यहाँ पे किसका मान बोल रहा है, f1 का मान निकालने। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि इस x के स्थान पे क्या आया है, 1। देखिए x के सीधे में क्या आ गया, 1, तो इधर जहां जहां x है वहां पे क्या बैठा देंगे, 1, और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो f1 का मान पूछ रहा है, तो x के जगह पे 1 आया है, इसलिए यहाँ भी x के जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ गया। 5 लिख दें, यहाँ x के जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस 2 गुना x के जगह पे 1 आ जाएगा, और प्लस 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको अब क्या सॉल्व करना है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे 1 होगा, 1 गुना 1 करेंगे 2 बार 1 होगा, और माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस 5 गुना 1 करेंगे 5 होगा, प्लस हो गया 2 गुना 1 करेंगे 2 होगा, प्लस 2। अब जिसके जिसके आगे प्लस है उसे जोड़ दें, तो 2 और 2 हो गया 4, और 4 और 1 हो जाएगा 5, ठीक है। 5 कैसे हुआ, क्योंकि ये 1 के आगे क्या है, प्लस है, और इधर माइनस 5 बचा हुआ है, ये वाला 5 में 5 गया, क्या होगा, 0 आंसर। तो पहला नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो पहला का आंसर हो गया, पहला का आंसर ए, ठीक है। आप नोट डाउन करते जाएंगे आंसर भी, ठीक है। तो एक एक्स के जगह पे 1 आया था, इसलिए एक्स के जगह पे 1 बैठ गया, यहां भी 1 बैठ गया, यहां भी, बाकी 1 को 3 बार पढ़ेंगे 1 होगा, माइनस और प्लस, माइनस 5 गुना 1 करेंगे 5 होगगा, प्लस 2 गुना 1 करेंगे 2, और प्लस 2 2 2 4 1 5, और 5 में 5 गया 0, ठीक है। चलिए ये पहला का आंसर था। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है, 2 होती है 1 होती है 3 होती है या कोई नहीं। तो सबसे पहले 3-4 शून्यक है, आप उसे जान दें। और रैखिक, रैखिक क्या होता है, तो रैखिक बहुपद या रैखिक शून्यंक, तो रैखिक शून्यंक उसको बोलते हैं, या रैखिक बहुपद उसको बोलते हैं, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जिसका शून्यंक यानी जिसका घात 1 हो, यानी पावर कितना होना चाहिए उसका, 1। तो रैखिक बहुपद का मतलब बी, ठीक है, बी में क्या है, 1, यानी 2 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। 1 का आंसर ए नंबर, 2 का आंसर बी नंबर, आंसर भी लिखते जाएंगे। रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या जहां पर भी पूछेगा रैखिक, जैसे ही रैखिक देखेंगे 1 कर देंगे, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, तो जिसका घात 1 हो। उसी तरह द्विघात, अगर द्विघात शून्यक बोलते हैं या द्विघात बहुपद बोला जाता है, जो इस चैप्टर में अभी हम सब पढ़ रहे हैं, तो उसमें कितना होगा, 2 पावर होगा, अधिकतम कितना पावर, 2 होगा, ठीक है। त्रिघात, त्रिघात
बहुपद में कितना पावर होगा, तीन, ठीक है। तो इसी तरह चार घात में चार हो जाएगा, लेकिन रैखिक बार बार पूछता है कि इसमें देखिए आप पकड़ लेंगे कि द्विघात है तो भाई दो हो गया, त्रिघात है तो तीन है, रैखिक में क्या चीज होगा, रैखिक में एक होगा जिसका घात एक हो, तो रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है, एक, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुपद वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस एट का घात है। देखिए ये सब क्वेश्चन आप गलती नहीं कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको तुरंत नंबर मिलेगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखें, घात का संख्या पूछ रहा है, बहुपद वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस एट का घात है। अब यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि घात बोलते किसको है, तो पावर को घात बोलते हैं। जैसे यहाँ वाई पे कितना पावर है, एक पावर है, यहाँ वाई पे कितना पावर है, दो पावर है, लेकिन घात तो आखिर आंसर तो एक ही होगा, तो जो इसमें सबसे उच्चतम पावर है, मतलब इस समीकरण में जो सबसे बड़ा पावर है, यहाँ पे मान लीजिए एक पावर है, किस पे एक पावर रहना चाहिए, न्यूमेरिकल पे नहीं रहना चाहिए, अल्फाबेट पे, यानी जो एबीसीडी वाला शब्द रहता है उस पे, तो इस पे देखिए कितना पावर है, दो पावर, इस पे कितना पावर है, एक पावर, तो इस पूरे समीकरण में सबसे अधिक पावर कितना है, दो, है ना, सबसे अधिक पावर कितना है, दो, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका घात क्या हो जाएगा, दो, यानी तीन का आंसर हो जाएगा दो नंबर, यानी ए, देखिए दो है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसलिए हो गया ए, तो ये हो गया तीन नंबर। चलिए मैं इसे मिटाता हूं, पहले नोट डाउन करें। चलिए तीन नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे, चौथा नंबर आते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस पांच का एक शून्यंक है। अब एक शून्यंक क्या है, अब इसको कैसे निकालेंगे, तो चौथा नंबर आते हैं। अब इसमें कोई जांच वांच करना नहीं है, शून्यंक निकालने बोल रहा है, पहले आप क्वेश्चन को समझ लेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, टू एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस पांच का एक शून्यंक है, बाकी ऑप्शन क्या है, एक माइनस एक जीरो और कोई नहीं, तो इसका गुणनखंड जो बनाते थे, शून्यंक आप कैसे निकालेंगे, शून्यंक का मतलब होता है एक्स का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो अब इसे निकालने के लिए गुणनखंड विधि से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले दो और पांच को गुना कर दे, दो और पांच कितना हो जाएगा, दस, दो और पांच को गुना करेंगे दस, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास पांच हो गया और दो हो गया, पांच और दो मिल गया, पांच गुना दो करेंगे दस होगा, और हमको इसी दो चीज से हमको कितना पुराना है, माइनस तीन, तो इसके साथ आप माइनस दे दें, इसके साथ आप प्लस दे दें। ये सारा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, 2.2 के पहला नंबर यही क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से हल करें तो वही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस जो बड़ा है उसी का साइन होता है, तो माइनस लिख दिए, अब पांच में दो गया तो तीन हो गया, ठीक है। चलिए अब जो है ये समझ में आ गया कि कैसे पूरेगा, तो सबसे पहले इसे उतार दें, उसके बाद लिख दें माइनस पांच एक्स, उसके बाद लिख दें प्लस दो एक्स और माइनस पांच। देखिए इसे उतार दिए, इसके बदले में दो हो गया, क्योंकि बीच वाले को दो भागों में लिखते हैं, ठीक है, और माइनस पांच, ठीक है। तो माइनस प्लस होता है माइनस, पांच एक्स में दो एक्स गया तो हो गया तीन एक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों में लेते हैं कॉमन, तो कॉमन क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा, तो बच क्या गया, टू एक्स माइनस फाइव, इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो दो एक्स माइनस पांच, अब हो गया दो एक्स माइनस पांच, और इधर बच गया एक्स प्लस एक, तो अब इसका शून्यंक निकाल लें, दो एक्स माइनस पांच बराबर जीरो, तो दो एक्स बराबर माइनस पांच उधर गया, क्या हो जाएगा, पांच एक्स बराबर पांच बटे दो, पांच बटे दो ऑप्शन में है, नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, एक्स प्लस एक बराबर जीरो, एक्स बराबर प्लस का उल्टा माइनस एक, क्या माइनस एक ऑप्शन में है, तो जी माइनस एक ऑप्शन में है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी, तो चौथा का आंसर हो गया, चौथा का आंसर हो गया बी नंबर, ठीक है। समझ में आ गए होंगे शून्यंक कैसे निकालते हैं, तो इसका एक शून्यंक कौन होगा, माइनस एक। अब इस सवाल को रटेंगे नहीं, बनाने का प्रयास करेंगे, वहां ये सवाल नहीं पूछेगा, अंक बदल करके पूछेगा, पर ऐसा ही पूछेगा, ठीक है। तो जब ऐसा शून्यंक पूछे तो आप यही प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए पांच नंबर क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोलता है, बहुपद फाइव वाई स्क्वायर माइनस चौदह वाई प्लस आठ के शून्यंकों का योग होगा। अब इतना बड़ा सवाल देख के आप सब डर जाएंगे, पर बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो सवाल बहुत इजी रूप में बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। अब याद कीजिए, मैं कितनी बार क्लास में बता चुका हूँ कि शून्यंकों का योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यंकों का योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, सारे अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में ये बार बार आपको मिलता है। तो जब इस समीकरण में अल्फा प्लस बीटा आपको निकालने बोल रहा है, सबसे पहले ए बी और सी निकाल लें, तो ए क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला वाला ए होता है जो वाई स्क्वायर के आगे है, बी क्या हो जाएगा माइनस चौदह, और सी क्या हो जाएगा आठ। अब इसमें आपको शून्यंकों का योग निकालना है, तो शून्यंकों का योग का मतलब क्या हो गया, अभी तुरंत बताया, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे
ए, जो कि आप सबको अगर मालूम नहीं होगा तो फिर जाके दिक्कत होगी। इसलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया माइनस बी बटे ए। तो माइनस और बी का वैल्यू कितना है, माइनस चौदह है, माइनस चौदह दे दे, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, पांच है। अब देखिए माइनस और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो हो गया चौदह बटे पांच। तो चौदह बटे पांच कौन, ऑप्शन नंबर सी है। तो पांच का आंसर हो गया, पांच का आंसर हो गया सी नंबर, ठीक है। ये सब बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चार पांच हो गया, आखिरी प्रश्न इसका देखते हैं, छह नंबर। उसके बाद और भी क्वेश्चन है, अभी तुरंत देखेंगे, ठीक है। तो पहले छह नंबर देख लें। y स्क्वायर एक बटे y प्लस तीन बराबर, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, बहुत आदमी माथा नोच रहे होंगे, है ना। तो इसमें कुछ है ही नहीं, छह नंबर का आंसर एकदम मुंह पे है, क्या है, y स्क्वायर इंटू वन बटे y प्लस तीन। देखिए ये जो है ये किसके बराबर है, चारों ऑप्शन में से, यही ध्यान देना। तो बीच में इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। तो चलिए गुना करते हैं। अब कभी भी नीचे नीचे तो गुना होता नहीं है, मतलब नीचे ऊपर तो गुना होता नहीं है, नीचे ऊपर कटता है, ठीक है। चलिए वाई स्क्वायर गुना एक करें तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बटे वाई प्लस तीन गुना वाई स्क्वायर करेंगे तो तीन वाई स्क्वायर। अब आप ही सोच के देखिए कि ऊपर कितना वाई है, तो भैया ऊपर दो वाई है और नीचे कितना वाई है, एक वाई है, तो प्लस थ्री वाई स्क्वायर, है ना। ई वाई से वाई कट गया तो बस क्या गया, वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर। क्या वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर ऑप्शन में है, तो देखिए डी नंबर ऑप्शन में है। तो छह नंबर प्रश्न भी हम सब देख लिए, तो छह का आंसर हो जाएगा डी, छह का आंसर डी। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव अभी हम सब करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव है बहुपद के, इतना करवा देंगे कि आपके एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। बस आप ध्यान पूर्वक इसको नोट डाउन भी करते जाए, नहीं तो बाद में पता चलेगा कुछ समझ ही नहीं पाए, ठीक है। तो छह नंबर क्वेश्चन हुआ और मैं प्रश्न लिखता हूं, तब तक आप इसे नोट डाउन करें। चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, क्या बोलता है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ग्यारह के शून्यंक है। सॉल्व करके पढ़ेंगे तो बहुत आसानी होगी आप सबको। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ग्यारह, इसका शून्यंक निकालने बोल रहा है, तो बहुत ईजी है, मैंने ये भी पढ़ाया है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ग्यारह बराबर जीरो, ठीक है, शून्यंक निकालने बोल रहा है। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ग्यारह उधर गया, क्या होगा, प्लस ग्यारह। अब एक्स स्क्वायर बराबर, मैंने एक दिन आप सबको पढ़ाया था कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर चार, मान लीजिए सोलह है, और एक्स स्क्वायर एक्स बराबर रूट सोलह है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, मैंने बताया था, प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देखे, उसमें मैंने ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। तो सिंपल सा बात है, अगर पहले से रूट रहेगा तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, चार, ठीक है। लेकिन हम सब जब स्क्वायर के बदले में रूट डालेंगे तो इसका चार तो आएगा ही, पर दो प्लस और माइनस में आएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर ग्यारह है, अगर हम स्क्वायर के बदले में उस साइड रूट डालते हैं जो कि स्क्वायर के बदले में रूट होगा, तो सिर्फ रूट ग्यारह आंसर नहीं होगा, एक बार आप इसे प्लस में लिखेंगे यानी रूट ग्यारह, और एक बार आप माइनस में लिखेंगे रूट ग्यारह। सिंपल सा बात है, पहले से अगर रूट रहेगा तब तो रूट ग्यारह ही होता, लेकिन जब हम स्क्वायर के बदले में रूट लिखेंगे तो दो साइन होगा, एक तो माइनस में और एक बार प्लस में। तो आप ही सोचिए, रूट ग्यारह और माइनस रूट ग्यारह कहाँ है, रूट ग्यारह और माइनस रूट ग्यारह ऑप्शन नंबर डी में है। तो भैया सात का आंसर कितना हो गया, सात का आंसर हो गया डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, आठवें नंबर की ओर बढ़ते हैं, डी नंबर हो गया, जल्दी जल्दी देखते हैं। फिर से वही सवाल आया, चलिए मैं इसे रब कर देता हूं, ये आप सब उतार लें, चलिए यहीं पे बता देता हूं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस तीन के शून्यंक कौन कौन है, जैसे ही कौन कौन शून्यंक या एक शून्यंक, तो इसका आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। अब गुणनखंड करेंगे कैसे, तो बहुत आसान है, आपको क्या पूरा करना है, पूरा करना है माइनस टू, क्या पूरा करना है माइनस टू, और क्या है माइनस थ्री है, और आगे में कुछ नहीं है, तो क्या है एक है, तो तीन गुना एक करेंगे तो क्या होगा, तीन होगा, और तीन का तो कोई खंड होता नहीं है, लेकिन तीन गुना एक करने से तीन होता है, और तीन और एक है जिससे आपको क्या पुराना है माइनस दो, तो इन दोनों में जो बड़ा है उसके साथ माइनस दे दे, जो छोटा है उसके साथ प्लस दे दे। फॉर क्या इसका मतलब हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स, और इस एक के बदले में प्लस एक्स और माइनस तीन, ठीक है, यही हो गया आपका समीकरण। माइनस टू एक्स कैसे टूटेगा, तो माइनस प्लस हो गया माइनस, तीन एक्स में एक एक्स गया तो दो एक्स। ये वाला सवाल तो पूछेगा ही ऐसा वाला कि शून्यंक कौन है, और दो ऑप्शन दे देगा आपको, एक ऑप्शन भी दे सकता है, इससे पहले वाला एक ऑप्शन वाला हम सब देखे थे।
चलिए x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस तीन, यहां प्लस एक कॉमन ले ले x माइनस तीन, x माइनस तीन आया ब्रैकेट में सेमी और x प्लस वन आया, x माइनस तीन बराबर जीरो और x प्लस एक बराबर जीरो, x बराबर तीन के माइनस तीन के बदले में प्लस तीन और x प्लस वन बराबर जीरो, तो x बराबर प्लस एक के बदले में माइनस एक, तो तीन और माइनस एक, देखिए तीन और माइनस एक कहाँ है, तीन और माइनस एक, हड़बड़ा के गलत मत कीजिएगा, यहां देखिए माइनस तीन और एक है लेकिन आंसर क्या आया है, तीन और माइनस एक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आठ का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, आठ का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं आठ नंबर के बाद, अब नौ नंबर मैं इसे रफ करता हूं, वीडियो पॉज करके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या फिर उतार लें, जो भी करना है मिटा रहे हैं। चलिए नौ नंबर की ओर बढ़ते हैं, नौ नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन को समझें। बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन के शून्यंकों का गुणनफल है, सीधा शून्यंकों का गुणनफल, सबसे पहले तो इसी को अंडरलाइन कर लें, शून्यंकों का गुणनफल का मतलब क्या होता है, तो होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, शून्यंकों के गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब ये समीकरण है, पर क्या समीकरण ये पूरा है, नहीं है, ये आधा अधूरा समीकरण है, तो इसको हम सब पूरा करते हैं। ठीक है, ये समीकरण आपका दिया गया है, इसी से हमको शून्यंकों का गुणनफल निकालना है। ये तो बात कब आते हैं, पहले इस पे आते हैं, देखिए दो उतार दे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स गुना एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक्स गुना एक करेंगे तो एक्स। ठीक है, सबसे पहले बड़ा आदमी को लिखते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर x को लिखेंगे और फिर प्लस टू को, अब ए बी सी इसमें कर ले तो a क्या हो जाएगा, तो जो x स्क्वायर के आगे होता है उसी को ना ये बोलते हैं, तो माइनस तो है तो माइनस दे दें, अब x स्क्वायर के आगे कुछ दिख तो नहीं रहा है, तो भाई कुछ नहीं दिख रहा है तो एक हो जाएगा, b क्या हो जाएगा जो x के आगे है, अब x के आगे प्लस है तो प्लस ना दे दें, प्लस और x के बीच में क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है एक है, और c क्या हो जाएगा दो। अब ए बी सी करने के बाद हम सबको क्या निकालना है, शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, बहुत इजी है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब सी का वैल्यू अगर आप देखें तो है दो और ए का वैल्यू है माइनस एक, कभी भी माइनस को नीचे नहीं लिखते ऊपर लिखें, तो माइनस टू, क्या ऑप्शन में माइनस टू है, तो जरूर है ऑप्शन नंबर ए, तो नौ का आंसर हो जाएगा, नौ का आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको एक नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस सवाल में आते हैं, थोड़ा ध्यान से इस सवाल को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव बस ऑप्शन रहने से ऑब्जेक्टिव बहुत आसान नहीं लगता है, हमेशा वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, मतलब इसको आप समझेंगे नहीं तो एग्जाम में सारा क्वेश्चन गलत करके आएंगे, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है कठिन, कठिन है, और ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। पहले मैं इसे रब कर लेता हूं, फिर दस नंबर क्वेश्चन समझेंगे। क्या बोलता है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान ज्ञात होगा, मान होगा मतलब माइनस एक एक पी पी स्क्वायर। अब इतना बड़ा समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, इतना बड़ा समीकरण के शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान होगा। सबसे पहले देखिए व्युत्क्रम मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रम, अब आप ही सोच के देखिए कि आम का उल्टा क्या होगा, आम का उल्टा इमली होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह एक का उल्टा कभी दो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। चार बटे पांच का उल्टा क्या पांच बटे आठ हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आखिर इसका उल्टा होगा क्या, पांच बटे चार बटे पांच का उल्टा क्या हो जाएगा, पांच बटे चार। उसी तरह क्या बोलता है, एक शून्यंक दूसरे शून्यंक के व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, ऐसा क्वेश्चन में अल्फा बीटा वाले वीडियो में बता चुका हूं, तो प्लीज इसे ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं, अब ऑब्जेक्टिव में आपको प्रोसेस तो पूरा बनाना नहीं है, तो आप रफ वर्क ही करेंगे, तो आप रफ वर्क कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि एक शून्यंक जो है, यहां मैं समझाने के लिए अच्छे से लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। ठीक है, मान लेते हैं एक शून्यंक अल्फा है, अब इस अल्फा का व्युत्क्रम, अल्फा का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो अल्फा के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो एक बटे अल्फा हो जाएगा। ठीक है, एक बटे अल्फा, अब किसका मान बोलता है, क्यू का मान होगा, क्यू का पूछ रहा है। अब आप ही ध्यान से समझेंगे कि ये समीकरण दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, समीकरण,
ठीक है, सबसे पहले इस समीकरण को ठीक कर लेते हैं। पी गुना एक्स करेंगे, पी एक्स माइनस क्यू, इसमें ए क्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर के आगे जो है एक, बी क्या हो जाएगा माइनस पी, और सी क्या हो जाएगा माइनस क्यू। बी क्या हो गया माइनस पी, क्योंकि एक्स के आगे क्या है माइनस पी। अब यहां से सवाल अब बनाना शुरू करते हैं। एक शून्यंक अल्फा है, अल्फा का उल्टा एक बटे अल्फा, ठीक है। अब हमको क्यू का मान निकालना है, तो क्यू किस स्थान पे है, सी के स्थान पे और ए सी के स्थान पे है, तो उल्टा कब होगा, तो जब शून्यंकों का गुणनफल करते हैं, तो शून्यंकों का गुणनफल जब भी करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होता है, लेकिन क्या यह बीटा होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक ही शून्यंक का उल्टा, उसी तरह मैंने बताया कि अल्फा का उल्टा बीटा तो नहीं हो सकता है, अल्फा का उल्टा भैया क्या होगा एक बटे अल्फा होगा, ना कि बीटा होगा, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा प्रोसेस तो वही है, गुणनफल ही कर रहे हैं, तो गुणनफल क्या होता है शून्यंकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे होता है, बस बीटा के स्थान पे कौन आ गया एक बटे अल्फा, ठीक है। अल्फा और अल्फा कट गया, अब सी का वैल्यू तो कुछ होगा तो माइनस क्यू है, ए का वैल्यू कितना है एक है, तो एक गुना एक करेंगे एक होगा, सॉरी हाँ चलिए ठीक है, माइनस क्यू हो गया। अब ये माइनस जो है इस साइड ला दे तो क्या हो जाएगा, ये तो गुना में है तो इस साइड आएगा तो माइनस एक ही होगा, नहीं समझ पा रहे हैं, एक बराबर माइनस क्यू, अगर सिर्फ माइनस को ही लाएंगे तो माइनस नीचे आएगा, माइनस नीचे आएगा तो माइनस कभी थोड़ी नीचे लिखते हैं ऊपर लिखते हैं, तो माइनस एक, तो क्यू का मान क्या होगा माइनस एक, ऑप्शन नंबर ए। तो 10 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ये आम इमली कटहल बेल मत लिखेगा, यहां से लिखेंगे, ठीक है। एक शून्यंक अल्फा, अल्फा का उल्टा एक बटे अल्फा, और इसे सॉल्व करने के बाद क्या आता है माइनस एक इज द राइट आंसर। अब 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं, पहले आप इसे नोट डाउन कर लें, और इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, फिर अगले भाग में मिलेंगे, अभी ये भाग नंबर एक ही है, जितने भी क्वेश्चन है लगभग 40 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके इस चैप्टर से, लगभग मैं बोल रहा हूँ, कम भी हो सकते हैं अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह समझ समझ के पढ़ेंगे तो आपका एक भी गलत नहीं होगा। 11 नंबर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस नो एक्स प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान निकालना है भैया ए का मान, मूलों का गुणनफल, फिर मूलों का गुणनफल से क्या मतलब हुआ, मूलों का गुणनफल से मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है आपका 8 दे दिया है मूलों का गुणनफल। अब हम सबको क्या निकालना है ए का मान, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए, अब सी बटे ए जानेंगे तब ना, तो ए क्या हो जाएगा एक, बी किसको बोलेंगे जो एक्स के आगे हो, और सी किसको बोलेंगे जो सबसे लास्ट में ए, तो सी का वैल्यू हो गया ए, ए का वैल्यू हो गया एक, और 8 तो दिया ही था, ये 8 कहां से आया, तो यहां देखिए आप मूलों का गुणनफल, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए ए हो गया 8 गुना एक करेंगे तो हो जाएगा कितना 8, यानी ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ किसका मान निकालने बोल रहा है, ए का मान क्या हो जाएगा 8, तो सी नंबर इज अ राइट आंसर। तो 11 का आंसर हो गया आपका सी, 11 का आंसर हो गया सी, इसे नोट डाउन कर ले। चलिए आज 11 क्वेश्चन हम सब देखे ऑब्जेक्टिव का, थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है, पर इसे आप अगर अच्छे से करेंगे तो फिर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अब मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ, अभी बहुपद का चलेगा एक दो दिन, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। दिसंबर तक मैं बोला हूं आपका पूरा 10 जो 2023 और 2024 में देंगे अच्छे से गणित में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। और जब जनवरी आएगा यानी 1-2 जनवरी से ही वीडियो डेली आएगी इस चैनल पे, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जो मिस हो जाए, ठीक है। मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगा कि डेली डालू, ठीक है, और तो फिर जाके हो जाएगा आपका कंप्लीट। और जनवरी के बाद आपका साइंस का ऑब्जेक्टिव और हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, जितना थ्योरेटिकल पेपर है उसका ऑब्जेक्टिव भी मैं बता दूंगा एक एक करके, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में हूबहू आएंगे, बस आप पढ़ते जाए, ठीक है। चलिए ये 11 क्वेश्चन आप सब अच्छे से कंप्लीट करके आएंगे और अच्छे से नोट डाउन करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा डिफाइन करेगा आपके फर्स्ट डिविजन के रिजल्ट के लिए। अगर फर्स्ट करना है तो आपको 50 ऑब्जेक्टिव का सहारा लेना पड़ेगा, और 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए आपको अच्छा अच्छे से हल करना आना होगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बहुत बच्चे गेस पेपर उठाएंगे और रट जाएंगे, ठीक है, जो मतलब जो एक गणित में आप क्या रटेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, वहां 5x² दे दे, और यहाँ 9 के जगह पे 18 कर दे, इसे के जगह पे बी कर दे और ऑप्शन चेंज कर दे, आपको बनाना आएगा ही नहीं,
तो फिर आप कौन सा ऑप्शन जाके मारेंगे? बस बच्चे यही करते हैं, गेस पेपर से रट के जाते हैं और वहां जाके ये वो वाला क्वेश्चन उसका मिलता ही नहीं है, और फिर 30 नंबर भी इसमें नहीं आ पाते, पूरे मैथ में 30 नंबर नहीं आ पाते हैं। तो इस स्तर का पढ़ाई हो रहा है। तो आप ये समझने का प्रयास करेंगे कि ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा डिफाइन करेगा आपके रिजल्ट को। अगर आप 50 में ऑलमोस्ट 50 नहीं कर पाते हैं, 45 प्लस 45 तो कर ही लेंगे सही, और 45 और आपको फर्स्ट डिवीजन के लिए मात्र 15 नंबर बनाना है, 60, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको 60 ही लाना है, आपको तो हम सोच रहे हैं 100 में 100 लाना, ठीक है। लेकिन आप एक अगर स्ट्रेटजी के तहत चलेंगे तो 45 तो आपके खाली ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं और 15 आराम से उधर से आ जाएंगे। पर आप ऑब्जेक्टिव भी गलत करेंगे तो फिर आप फर्स्ट डिवीजन कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो सच में तो जरूर लाइक करें, और जो भी 10th के विद्यार्थी हैं तो उनको शेयर करें ताकि चैनल ग्रो हो और ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियो बना सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।